कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। एक तरफ माँ बाप हैं तो दूसरी तरफ हमजा। मैं अपने माँ बाप को धोखा नहीं दे सकती, मगर हमजा कितना जज्बाती है। वो अगर उसने अपने साथ कुछ कर लिया, अपनी जान ले ली, तो मैं उसे कुछ होता भी तो नहीं देख सकती। मामा पापा को तो बाद में मनाया जा सकता है ना। मेरा दिल, मेरा दिमाग ये बात नहीं मान सकता। हमजा इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। कर सकता है वो, इस वक्त बहुत गुस्से में है। क्या सही है क्या गलत है उसको कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं उसको बहुत समझाने की कोशिश की है, मगर वो और जब जब अपनी रानिया ही राजी है तो फिर मैं क्या कर सकता। क्या बकवास कर रहे हो तुम? रानिया मेरी बेटी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। आप लोग ये समझें या ना समझें, मैं भी इसी खानदान का फर्द हूं। कजन है वो मेरे, ना मैं उसे बर्बाद होते हुए देख सकता हूं, ना ही इस खानदान की मजीद तबाही बर्दाश्त कर सकता। इसीलिए अपने दोस्त को धोखा दे रहा हूं। अगर ये बात झूठी साबित हुई तो गर्दन काट देना मेरी। यही बात सच है, यही सच है खाली। आप माने या ना माने ये आपकी मर्जी है, मगर मैं तो मुतमईन हूं। इस खानदान को तरजीह दी, इस खानदान की इज्जत बचाने की मैंने कोशिश की है। कि आपकी मर्जी है, सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मेरा खानदान है, मेरा। बाकी जो अल्लाह को मंजूर। इज्जत रोंद कर जा रही हूं। तुम्हारे पांव तो कांपे होंगे। पापा वो एक बात याद रखना रानिया, बेटी का उठाया हुआ एक गलत कदम मां बाप के लिए फांसी का फंदा बन जाता है। इससे पहले कि दुनिया हमें संसार करे, तुम्हारी मां और मैं जहर पी लेंगे। बाबा ऐसे ना कहें। मत कहो मुझे बाबा। मर गया तुम्हारा बाबा, कर लेना तुम अपनी मनमानी।
अभी तुम्हारी आंखों के सामने मैं खुद को शूट कर लूंगा तुम्हारे सामने, और यही मेरी लाश तड़पेगी देखना तुम। मार दूंगा मैं अपने आप को। प्लीज प्लीज ऐसा ना करें। आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। प्लीज ये मत करें। I'm so sorry, प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दे। आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। जज्बाती मत बनो। जज्बाती तो आप हो रहे हैं, जानते पूछते भी जो उन बदनीयत लोगों की बातों में आ रहे हैं। हमजा का चैप्टर क्लोज हो चुका, कोई ऐसा दूसरा शख्स नजर ही नहीं आ रहा जो अपना दिल बड़ा करके रानिया से शादी कर ले। हमें रानिया की शादी की कोई इतनी जल्दी भी नहीं है। लेकिन मुझे जल्दी है, रानिया की शादी की जल्दी है। इन हालात में मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। अच्छे खासे ज़ेशऊर इंसान हैं आप, जज्बात की रौ में बहकर क्या उल्टे सीधे फैसले कर रहे हैं आप? फैसला तो हो चुका, रानिया का निकाह होगा अभी इसी वक्त दानिश के साथ। जाकर उसे बता दो, वो मना नहीं करेगी। मैं अलाबी को फोन करता हूं। समझ में आ रहा है कि तुम्हारे बाबा को हो क्या गया है? वो तुम्हारी शादी कर रहे हैं। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है, मगर वो किसी की बात ही नहीं सुनना चाह रहे। रानिया तुम मेरी बात सुन रही हो? तुम्हारी शादी दानिश से करना चाहते हैं। मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े, और ऊपर से वो ढीठ लोग। उठो, तुम्हें उन्हें खुद समझाना पड़ेगा। उनसे बात करो, जाके इनकार कर दो। जाओ जाके बता दो अपने बाबा को भी और उन झूठे लोगों को भी कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते। चलो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। जाए, जाकर बता दे उन्हें।